लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंद लाल खेलते, बोलो सारा रारा। तो भाई रंग गुलाल रंग जो देख के तो आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा कि मैं आज कहाँ आने वाला हूँ, और बताने वाला बात ही नहीं क्योंकि उसी दिन में ब्लॉग करा था, लोग समझ चुके होंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोग को अपना फ्रंट वाला कैमरा से इंट्रो दूंगा, है ना। तो देख सकते हैं, बैक वाला कैमरा से एक बार झलक दिखला देते हैं। यहाँ वाइन शॉप है तो यहाँ पे अभी तो सब कोई भाग गए हैं, तो बहुत ही मैं उस टाइम नहीं बना पाया। देखें तो भाई लोग सब कोई अपने अपने हिसाब से, क्योंकि यार रंग बिरंगी का दिन है तो मनाना ही चाहिए ना। कलंगूट होली का दिन में आते हैं तो देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड का हालत कैसा है। बहुत टाइम से देख रहा हूँ, बेचारा का कॉल आ रहा है लेकिन मतंग सो रहा है। उसका हालत देखो आप लोग को समझ में आ गया होगा। रंग गुलाल का दिन है तो भाई साहब ने थोड़ा ज़्यादा ले लिया लगता है। तो गाइस अभी मैं एंटर कर रहा हूँ कलंगूट बीच, देख सकते हैं आज लाल गुलाल का दिन है, होली का है ना। आप लोग को फ्रंट वाला कैमरा से इंट्रो करूँगा, यहाँ से नज़ारा देख सकते हैं। मेरा तो बहुत ही ज़्यादा ब्लॉग आ गया है इसका, इधर नहीं है तो कुछ ऐसा नज़ारा है, और इधर को और को देखें तो ऐसा है। अभी फ़िलहाल हम विजिट कर रहे हैं बीच की ओर, देख सकते हैं नज़ारा कुछ ऐसा रहा। तो चले गस जाते हैं बीच की ओर, है ना। तो गर्ल्स हेलो हाय नमस्कार जय जोहार, मैं फाइनली विजिट कर चुका हूँ कलंगूट बीच, और सबको हैप्पी दिवाली, और आप लोग भी बहुत अच्छा से मनाइएगा 2023 का होली, सॉरी दिवाली बोल दिया मेरा मुँह से, तो होली है, एकदम रंग बिरंग वाला माहौल है। तो आप लोग हमारे वीडियो को देख के अपना वीडियो को देख के अपना हेट भी जरूर दीजिएगा, है ना, और शुरू से लेकर अंत तक हमारे। तो गाइस देख सकते हैं इवनिंग का टाइम है, काफ़ी खूबसूरत वाला नज़ारा लग रहा है, आप लोग बता दीजिएगा। मैं भी लाइव नज़ारा दिखला रहा हूँ कलंगूट बीच का, देख सकते हैं कुछ नज़ारा ऐसा रहा, और इधर लाइट भी ऑन हो चुका है, काफ़ी भीड़ भाड़ आज का दिन में रहता है। कलंगूट बागा गोवा का फेमस बीच है, तो देख सकते हैं नज़ारा कुछ ऐसा रहा गर्ल्स। ये देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग चले गए हैं एंजॉय करके। तो अभी तो इवनिंग शाम का टाइम है, अभी काफ़ी लोग चले गए हैं, और दो नज़दीक नज़दीक वाले लोग हैं, दूर दूर का तो चले गए हैं घर, जो है नज़दीक नज़दीक का लोग ही हैं इधर। तो देख सकते हैं नज़ारा कुछ ऐसा रहा। अभी जाते हैं बागा की ओर, है ना, कलंगूट से एंटर किए हैं हम, और एंडिंग करेंगे बागा का उधर से, तो हमारे साथ बने रहेगा शुरू से लेकर लास्ट तक। और बढ़िया बढ़िया कमेंट करिएगा हमारा वीडियो कैसे लगता है, बढ़िया अगर कैसे रहेगा वीडियो के हिसाब से आप लोग कमेंट करिएगा। तो देख सकते हैं ऐसे नज़ारा कुछ रहा। अभी तक लोग नहा रहे हैं, बड़ा मजा कर रहे हैं, और करना भी चाहिए ना आपको, वीडियो नहीं करेगा तो क्या पता। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं बोट का एंजॉय करते हैं, शायद मेरे ख्याल से लास्ट बोट रहेगा, नहीं तो लास्ट बोट वो लोग बोलते हैं लास्ट बोट नहीं रहेगा जब तक सूर्य पूरा ढल अंधेरा नहीं हो जाएगा तब तक ये लोग, आज क्योंकि आज होली है ना तो बहुत टाइम तक रहेगा। तो देख सकते हैं मैं लास्ट टाइम ही है बोटिंग करने का, जिसके बाद में इंजॉय करने का मैं। अभी सनसेट का टाइम है, देख सकते हैं सनसेट काफ़ी प्यारा लगते हुए नज़र आ रही है, और इधर काफ़ी प्यारी वाला बच्ची। तो थोड़ा सा मेरा कॉल आ गया है, रिसीव कर लेते हैं।
और यहाँ पर देखेंगे ना तो पूरा लाइट ऑन हो चुका है, देखते हैं उधर जाके क्या होता है। अभी लगभग सारी सेट का लाइट ऑन ही हो चुका है, सारी को नहीं बोलना चाहिए लेकिन लगभग ए लाइन का पूरा ही सेट ऑन ही हो चुका, लगभग पूरा ऑन हो चुका है, देख सकते हैं काफ़ी प्यारा लग रहा है ना देखने में। तो आगे जाते हैं बागा की ओर, ये तो कलंगुट में ही आता है बागा, जो बागा एंड करेंगे उसके बाद में फिर कलंगुट में ही आएगा, क्योंकि मेरा पार्किंग जो भी लाया है वो कलंगुट में पार्किंग किया है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक, क्या क्या होता है हमारे बीच में सबको आपके साथ में मैं शेयर करूंगा, आप लोग बतला दीजिएगा कैसे लगा क्या हुआ, क्योंकि मैं सुबह तो नहीं आ पाया, अभी शाम को आया है क्योंकि सुबह का टाइम में काम को गया था तो नहीं आ पाया। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को तो अभी भी शाम का टाइम में, क्योंकि मैं 4 बजे इधर में विजिट किया है कलंगूट, अभी तो 4 नहीं बज रहा है, पूरा 6 बज गया है, लेकिन 4 बजे में आ गया था। बात बाकी उस टाइम स्टार्टिंग का वीडियो मैं बनाया हूँ स्टार्टिंग में, ये देख लीजिए लाइव गार्ड इधर नज़ारा ऐसा रहा देते हुए टूरिस्ट को, और इधर काफ़ी प्यारा प्यारा डेकोरेट करते हुए। एक बार फिर से मेरा कॉल आ गया, सॉरी। और यहाँ पे देख पा रहे हैं बड़ा बड़ा DSLR लोग स्टार्टिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इधर देख सकते हैं कि खाली भी हो रहा है अभी, क्योंकि इवनिंग का टाइम है तो दूर दूर वाले तो चले गए हैं घर, अभी जो नज़दीक किधर ही रुकता है वो लोग बचे हैं, नहीं तो दूर का टूरिस्ट सब चले गए हैं घर। अभी कलंगूट और बागा के सेंटर पे हूँ, मतलब बागा में मैं एंटर कर चुका हूँ, देख सकते हैं कलंगूट पार के बागा में एंटर कर चुका हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा खाली माहौल आ रहा है नज़र, क्योंकि बागा का इंटर में ज़्यादा क्राउड रहता है और कलंगूट का इंटर में, मतलब इंटर में ही ज़्यादा मतलब क्राउड रहता है, बीच में थोड़ा सा खाली देखने को मिल रहा है आज का दिन में, नहीं तो फुलज भरे रहते हैं दिन को, लेकिन अभी थोड़ा सा शाम हो गया ना, क्योंकि दूर से आए हो तो जल्दी जाएंगे ना, और जाना भी चाहिए, क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी लोकल फोटो वोटो खिंचाते होते, और इधर देख सकते हैं फुटबॉल प्लेयर लोग अपने फुटबॉल का एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं भी हूँ फुटबॉल प्लेयर, और इधर देख सकते हैं। तो बस आज का होली वाला इवेंट को एंड करते हैं, इसके बाद में नाइट वाला नज़ारा देखते हैं, है ना। अभी मतलब दिन का तो पूरा आप लोग को दिखा दिया हूँ, अभी मतलब नाइट का नज़ारा देखते हैं, नाइट लाइफ का गोवा और कलंगूट बीच का। फिलहाल मैं बागा पे हूँ, तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करेंगे, आप लोग फीडबैक दीजिएगा हमारा वीडियो कैसे लगा, ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा, जैसे अच्छा लगा बुरा लगा जो भी लगा आप लोग कमेंट करके बतला दीजिएगा। तो नज़ारा कुछ ऐसा रहा, एक बार घूमला के दिखला देता हूँ, तो ऐसा रहा। तो चलो दोस्तों बाय बाय, फिर मिलेंगे, नाइट लाइफ का नज़ारा इसी ब्लॉग का सेकेंड पार्ट रहेगा, है ना। चलिए दोस्तों बाय बाय।